शिकार हो रहा है, किसका शिकार हो रहा है? हिरन, हिरनों का। जब आर्ट बेसिकली शुरू हुआ था, इसका एक पूरा इतिहास था, एक टाइम पीरियड था, एक बहुत लंबा अरसा है कि जिस फॉर्म में हम ये लैपटॉप, ये कैमरे, ये विजुअल्स, ये तस्वीरें, ये अच्छी अच्छी डिजाइनिंग, ये सारी बोतलें, ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं, उनके जमाने के मैं कहूंगा इसको, ठीक है। जब इंसान इस दुनिया पे आया तो उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी। इंसान ने खुद मेहनत की और अपने लिए घर बनाया। डायरेक्ट तो उसने घर नहीं बनाया, उसने प्रोसीजर इस्तेमाल किया। तो उनको बोलने का सलीका नहीं था, ठीक है। तो जब एक बड़ा जिसने शिकार करना सीखा, जिसने खाना खाना सीखा, जिसने खुराक के लिए मेहनत की, शिकार करना उसने शुरू किया, तो जब पोतों पोतियों तक जब वो कन्वर्ट करना चाहता था या उनको बताना चाहता था, तो उसके पास कोई मीडियम नहीं था, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं था। वो तो इशारों से, एक्सप्रेशन से, मुख्तलिफ चीखे लगा के वो समझाते थे एक दूसरे को, क्योंकि उनके पास तो जुबान थी नहीं। तो जब उन्होंने ये पेंटिंग्स, उन्होंने केव पेंटिंग्स, केव आर्ट, केव पेंटिंग्स के थ्रू उन्होंने दीवारों के ऊपर, जो गार की दीवारें थी, उन दीवारों के ऊपर उन्होंने पेंटिंग करनी शुरू की। पत्थरों से बनाने शुरू किए, मुजस्मे बनाने शुरू किए। पहले उनकी स्किल तो नहीं थी उनके पास, लेकिन उन्होंने एक ऐसा इंप्रेशन, भाई बता रहे हैं ये गैर इस्लामिक चीज है, हम चूंकि मुसलमान हैं, हम इस पे आधा बिलीव करते हैं, आधा बिलीव नहीं करते। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर आए हैं जी इस दुनिया में, तो वो सारी चीज़ें कि वो समझ नहीं थी, समझ सब कुछ थी। जिस वक्त जन्नत से बाहर आए हैं, तो जन्नत से बाहर इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, चूँकि आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत ज़मीन के लिए थी, तो जो ही बाहर आए हैं तो चीज़ें नहीं थी, तो फिर उनकी वो अपनी तख्लीकी सलाहियतें, क्रिएटिव वो जो उनमें थे, अल्लाह ने उनको टीच किए हुए थे, वो सलाहियतें लेकर फिर उनको जिस वक्त रोटी की ज़रूरत पैदा हुई, तो उन्होंने रोटी से पहले यूँ समझिए कि चूंकि हम अखलाकी तौर पे अगर हमारा लिबास ना हो तो खाने से पहले अपना सतर ढांपा, और फिर उसी की खाल से जब सतर ढांप गया तो ऑलरेडी उसमें खुराक भी उसके लिए भी मौजूद थी, उसने वहाँ से खुराक की और वहाँ से सर्वाइवल इंसान का शुरू हुआ। रिटन स्क्रिप्ट है वो है शकुंतला। शकुंतला बेसिकली एक खातून थी, ये उसकी कहानी है, ठीक है। और ये वेल रिटन ड्रामा है, सबसे पहला ड्रामा जिसके अंदर ट्रेजिडी, ट्रेजिडी मींस कि कोई भी ड्रामा है तो उसके अंदर कोई हादसा ऐसा बनाया जाता है कि जिसकी बिना पे लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है, जो ऑडियंस है, जो ड्रामा देखने वाले हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है। आप लोग, मैं आप लोगों को उस ड्रामे की एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि इस ड्रामे में बेसिकली था क्या शकुंतला के अंदर। ये आपको तो पता है कि दुनिया में जो सबसे जो वेल रिटन और वेल सोचा समझा जो एक रिलीजन है वो कौन सा है, सबसे अच्छा सोचा समझा और लिखा हुआ रिलीजन वो कौन सा है? छोटा सा सुराख किया हुआ था, बिल्कुल सुई की दाने की जितना, जितनी उसकी टिप है ना, उस जितना इतना सुराख किया हुआ था, जो कि इंसान की आंखों नजर नहीं आता। और जो बंदा था, जो आर्टिस्ट था, जो जिसकी पिक्चर बनानी, जिसने अपनी पिक्चर बनवानी थी, वो बैठा हुआ है कहां पे, वो उस कमरे के बिल्कुल बाहर बैठे जहां पे उसको लाइट भी लग रही है, जहां पे उसको सूरज की लाइट लग रही है। तो हो क्या रहा है कि जो लाइट इसके ऊपर लग रही है वो यहां से रिफ्लेक्ट होके इस छोटे से पिन होल कैमरा के साथ, एक छोटी सी पिन से, वो यहां से उसका रिफ्लेक्शन उस छोटे से पिन से होते हुए उस आर्टिस्ट का जो
ट्रांसपेरेंट पेपर था उसके ऊपर उसका शेडो आ रहा था, ठीक है, और वो जी कॉम्प्लिकेट कहते थे, नहीं नेगेटिव तो बहुत बात की बात है, नेगेटिव तो बहुत बात की बात है। पहले तो ये इस किस्म की फाइल होती थी, एक एक खास एक ट्रांसपेरेंट सा पेपर होता था, कागज जिसे हम कह सकते हैं, कागज के ऊपर भी वो नजर आता था। तो उस कागज के ऊपर जब वो इमेज आता था, नहीं इसका काम ये है कि ये लाइट को जो एक अभी यहां पे काफी ज्यादा लाइट आ रही है, ठीक है, काफी ज्यादा लाइट आ रही है ना, तो इसके अंदर एक छोटी सी ओपनिंग है, इतना सी पर्दा है इसके अंदर, इस लेंस के अंदर, जो कि खुलता है और बंद होता है। मुझे कितनी लाइट चाहिए, वहां पे तो उसके पास तो कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं था ना कि जिससे वो लाइट को कंट्रोल करे, तो इसलिए वो सुई जितना सुराख करके वो उससे वो जितनी लाइट उसको आती थी वो उतनी करता था। लेंस ने क्या किया, लेंस ने उस लाइट को कंट्रोल किया, ठीक है, और अब हम किसी भी जगह पे खड़े होकर पिक्चर खींच सकते हैं, क्यों, कि इस लेंस की वजह से वो लाइट कंट्रोल हो गई, वो जो लाइट हमें आ रही थी, ठीक है। ये वो पहली ये वाली ये वो पहली पहली फिक्शन फिल्म है कि जिसको जो पहली जॉर्ज मेलियस डायरेक्टर है इसके उसने बनाई थी। ना ना ये तो चांद पे जा रहे हैं, ये लोग चांद पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे सब उस मिजान में बैठ रहे हैं जी। कुछ भी हो सकता है, कल्चरली कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है।